बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल दानिश परदेसी को सब्सक्राइब नहीं किया, या आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो, इसी वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दें, साथ बने घंटे का आइकन दबा दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी इस तरह से दुबई विजिट वीज़ा के हवाले से अपडेट आए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों, जो लोग भी इस वक्त विज़िट वीज़ा के ऊपर दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई, शारजा, अजमान या दुबई की किसी भी रियासत के लिए विज़िट वीज़ा के ऊपर जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आपका विज़िट वीज़ा जो है वो 30 दिन का है या 60 दिन का या इसके अलावा कोई भी आपका विज़िट वीज़ा है, लेकिन विज़िट वीज़ा की जितनी भी टाइप हैं, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सख्ती बनी हुई है वो डॉक्यूमेंट के हवाले से है, और वो सबसे ज़्यादा सख्ती जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर बनी हुई है। बाकी जितनी भी रियासतें हैं, दुबई, शारजा, अजमान, बाकी जितनी भी रियासतें हैं, बाकी रियासतों में सख्ती कम है, लेकिन डॉक्यूमेंट के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर सख्ती बहुत ज़्यादा है। जो लोग भी विज़िट वीज़ा के ऊपर दुबई जा रहे हैं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से दुबई में एंटर हो रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी बंदे के डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रॉपरली नहीं होते हैं, जो एयरपोर्ट के ऊपर चेक करते हैं तो वो उसको डिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस वजह से डिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि उनके पास शो मनी जो है वो 5,000 दिरहम से कम है, या उनके पास जो है होटल बुकिंग नहीं थी। अक्सर लोगों के पास होटल बुकिंग का मसला आ रहा था, और कुछ ज़्यादा लोगों के पास 5,000 दिरहम से जो शो मनी है वो कम थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे इस तरह भी करते हैं कि 2,000-3,000 शो मनी अपने पास रख लेते हैं, देखते हैं कि हमें गुजरने दिया जाएगा या नहीं, तो पहले जो था वहाँ से गुजर जाते थे 3-4 हज़ार दिरहम पर भी, वहाँ पे उनको दुबई में एंटर होने दिया जाता था, लेकिन अब जो है अब उनसे वहाँ पर चेक किया जाता है कि आपके पास शो मनी कितनी है, होटल बुकिंग आपके पास है या नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए उन्होंने सख्ती कम की थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठा लिया है, वो इसी तरह ही जाते रहे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते रहे। अब दुबई ने इस वजह से सख्ती कर दी है, जो लोग भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई में एंट्री करेंगे उनके पास मिनिमम 5,000 दिरहम या इससे ज़्यादा दुबई इमराती दिरहम आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास इतने दिरहम नहीं होंगे या आपके पास होटल बुकिंग नहीं होगी, आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये थी आज की अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।